देखो जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एक्स, मतलब हमें इस फंक्शन की जीरो पर कंप्लीट लिमिट चाहिए। अब देखो होगा क्या, एक्चुअली इस फंक्शन की जीरो पर कंप्लीट लिमिट आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये फंक्शन जीरो के राइट साइड में तो डिफाइन है, लेकिन ये फंक्शन जीरो के लेफ्ट साइड में डिफाइन नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इस फंक्शन की जीरो पर कंप्लीट लिमिट नहीं निकाल सकते। अब इसकी तुलना में जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो ये है कि जीरो प्लस हो, है ना, जीरो प्लस, मतलब अगर ये दिया भी गया है तो इसका मतलब ये समझा जाए। मैंने बताया था आपको कि अगर फंक्शन एक साइड में डिफाइन है एक साइड में डिफाइन नहीं है ना, तो मैंने बताया था इस पे लोगों का व्यू अलग अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करना गलत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अगर फंक्शन एक साइड में डिफाइन है तो उसकी वन साइड लिमिट आप निकाल सकते हो। इस पे मैंने आपको ठीक ठाक टाइम दिया था और मैंने थोड़ा इस पे ठीक ठाक डिस्कशन भी करके आपको समझाई थी ये बात, ठीक है। तो हालांकि कायदे में अगर ऐसा लिखा जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा जाए तो ऐसा समझ लेना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, मतलब अगर हम एक्स को जीरो लें पॉजिटिव साइड से तो ये जीरो की पावर जीरो बन गया, मतलब देखो ये जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे जीरो की पावर जीरो, इंफिनिटी की पावर जीरो, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। देखो जैसे इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी या जीरो की पावर इंफिनिटी, देखो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। वन की पावर इंफिनिटी भी अनडिफाइंड फॉर्म होता है, देखो ये कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। देखो ध्यान दो, जैसे वन की पावर इंफिनिटी के सवाल को करने के लिए तुमको मैंने एक फार्मूला बताया था। देखो ये फार्मूला बताया था ना कि वन प्लस एफ एक्स है और पावर जी एक्स है, तो ई की पावर में लिमिट लगा दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बताया था मैंने फार्मूला आपको, है ना। तो वन की पावर इंफिनिटी एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वन की पावर इंफिनिटी को करने के लिए मैंने आपको एक अलग से फार्मूला बताया था। लेकिन देखो अदरवाइज ये जितने भी पावर वाले क्वेश्चन हैं ये सब के सब एक और तरीके से भी हो सकते हैं, है ना। जितने भी देखो ये पावर वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान देना, ये सब के सब किसी और तरीके से भी हो सकते हैं। क्या तरीका है, देखो जितने भी पावर वाले क्वेश्चन हैं, अब जैसे जीरो की पावर जीरो है, इन्फिनिटी की पावर जीरो है ना, ये तीनों देखो अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, हालांकि ये तीनों अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होते, है ना, ये दोनों अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होते, ध्यान रखना, नॉट अनडिफाइंड। अब दूसरी बात देखो ये आई कि अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो क्या होंगे, है ना, अगर मान लो ये अनडिफाइंड नहीं है तो क्या होंगे, तो देखो वो हमें इसी अपने तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इधर भी एक्स का टर्म है और इधर भी एक्स का टर्म है और एक्स टेंडिंग टू ए है ना, इसमें भी एक्स का टर्म है, इसमें भी एक्स का टर्म है, एक्स टेंडिंग टू ए है। देखो अब जैसे मान लो अगर ये फाइनाइट हो और ये भी फाइनाइट हो, पॉजिटिव हो, तब तो कोई समस्या ही नहीं, है ना। लेकिन मान लो जैसे अगर ये निगेटिव है, मान लो लिमिट पुट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिमिट पुट की, ये टर्म निगेटिव आ गया और ये पावर वन बाई ई वन आ गया, तब वो इमेजरी हो जाएगा, है ना। तो मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू फाइनाइट हो सकती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, दोनों जीरो हो सकते हैं, जैसे ये वाला केस, ये इनफाइनाइट है, ये जीरो है, ये वाला केस। तो देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर है कि यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है और एक्स टेंडिंग टू समथिंग है, तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को देखो हम इस तरीके से कर सकते हो। क्या तरीका, इसको ऐसे लिख लिया जाए, ई की पावर लॉग बेस ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए
एफ एक्स की पावर जी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं हमेशा, ए की पावर को लिख सकते हैं ई की पावर लॉग ए बेस ई। देखो दोनों बातें हमेशा बराबर का ध्यान दो, है ना। ए की पावर को देखो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो, देखो वही किया, इसको लिखा ई की पावर लॉग बेस ई, लिमिट इनको मल्टीप्लाई। अब देखो लॉग में हम इसको आगे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर, बल्कि एक काम करें, देखो लिमिट को पीछे ले लें और लॉग को आगे कर दें, लिमिट और लॉग को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टर्म पॉजिटिव है। अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर डिफाइन है, लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर कंटिन्यूअस होता है, ध्यान देना, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए लिमिट और लॉग को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो ये हो गया ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, देखो लॉग एम की पावर एन, तो क्या हो जाएगा देखो एन लॉग एम, देखो ऐसा यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब देखो ये है ना लॉग एम की पावर एन, तो एन लॉग एम, देखो ये अपने आप में एक फार्मूला हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसको हम कह सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो वन की पावर इंफिनिटी वाला सवाल भी इससे हो जाएगा, हालांकि वन की पावर इंफिनिटी को ज्यादा आसान करने का तरीका ये होता है, तुमको मैंने समझाया था अभी, वन प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स वाले फार्मूले से, है ना। तो वन की पावर इंफिनिटी को ज्यादा अच्छा करने का मेथड वही होता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो वो इस फार्मूले से हमेशा हो जाएगा। क्या करना है, e की पावर में जाना है, लिमिट लगाना है और जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स कर देना है। ये बात ध्यान दो, देखो जैसे ये अपने पास देखो यहां पर क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इसको हमें करना है तो क्या करेंगे, देखो e की पावर में जाएंगे, लिमिट को लगाएंगे, लिमिट है जीरो प्लस एक्चुअली, और देखो जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, देखो जी एक्स है ये और एफ एक्स है ये, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई। देखो एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, है ना, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, ई की पावर में जाएंगे और जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वही यहां पर कर रहे हैं। अब देखो जैसे ये जो टर्म आया इसकी लिमिट हमको निकालनी होगी, देखो क्या टर्म आया, ये आया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस x log x बेस e, देखो ये टर्म आया। अब देखो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, अब देखो जैसे x को जीरो पुट करेंगे तो जीरो, और log जीरो कितना होता है माइनस इंफिनिटी, याद है, देखो मैंने बताया था आपको log में ग्राफिकल कि अगर हम जीरो पर राइट से चलेंगे तो log फंक्शन कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी, देखो वही हो रहा है, x को रखा जीरो तो ये जीरो, और log जीरो कितना हो गया माइनस इंफिनिटी, मतलब देखो ये जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। अब देखो मैं काम ये करें, इसको ऐसे करें x टेंडिंग टू जीरो प्लस, देखो log x, x को नीचे ले आए, देखो वन बाई x हो जाएगा। देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये एक्चुअली बन गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि log इंफिनिटी हो गया इंफिनिटी और 1 बाई 0 भी क्या हो गया इंफिनिटी, देखो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लॉपिटल रूल लगा दो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई x, इसका क्या हो गया माइनस 1 बाई x स्क्वायर, है ना, लॉपिटल रूल लगा दिया log x का, क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x का क्या हो गया माइनस 1 बाय x स्क्वायर, देखो ये हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाय x और माइनस x स्क्वायर बाय 1,
देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये क्या आ गया माइनस एक्स, देखो ऐसे आ गया है ना। अब अगर हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, जीरो बन जाएगा है ना, एक एक्स एस कैंसिल हो गया तो सिर्फ माइनस एक्स बचा। अब एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है, अगर हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मतलब इस पूरे लिमिट का देखो आंसर जीरो आ गया। तो देखो ये हो गया e की पावर और ये पूरी वैल्यू जीरो, दैट मींस आंसर क्या आ गया देखो वन आ गया। ध्यान दो, तो ध्यान देना जीरो की पावर जीरो हो, इन्फिनिटी की पावर जीरो हो, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, हालांकि दोनों अनडिफाइंड नहीं होते ध्यान देना, लेकिन फिर भी इस प्रकार के सारे सवाल इस फार्मूले से निकल जाएंगे। देखो ये एक फार्मूला जो हमें याद करना है, अब ये वाला फार्मूला इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, वन की पावर इन्फिनिटी का सवाल भी चाहे तो इससे कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको हम इसी मेथड से ही करें तो अच्छा होगा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखें, और ऐसे लिखने के बाद e की पावर देखो लिमिट x टेंडिंग टू a और gx into log of fx है ना, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx into log of fx लिख करके क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। लिखो सब बातों को ध्यान से बच्चे जरा, अभी मैं आपको और भी इसके अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ।